संघदान। बौद्ध जीवन शैली में संघदान का महत्व अनन्य साधारण है। बोधिसत्व के साधारण गुणों में दान एक पारमिता होती है जिसे बोधिसत्व अपने जीवन भर निभाते हैं। ऐसे ही महत्वपूर्ण कड़ी से नाता जोड़ते हुए संघकाया फाउंडेशन ने नागपुर के आनंद बुद्ध विहार में इस महासंघदान का आयोजन किया। दरअसल संघकाया फाउंडेशन का ये 15वां संघदान है। पूज्य भंते प्रशील रत्न गौतम की अगुवाई में संघकाया फाउंडेशन मार्गक्रमण कर रहा है। यह बात सर्वविदित है कि तथागत भगवान गौतम बुद्ध को महाकारुणिक के नाम से जाना जाता है और तथागत बुद्ध की शिक्षाओं में करुणा और मैत्री का स्थान सर्वोपरि है। संघकाया फाउंडेशन ने करुणा और मैत्री को ही अपने धम्म कार्य की आधारशिला बनाया। समूचे देश में संघकाया फाउंडेशन कार्यरत है। केवल बौद्ध समुदाय में ही नहीं बल्कि भारत के संपूर्ण मानवीय समुदाय में संघकाया फाउंडेशन अपनी करुणामय पहल से परिचित है। संघकाया फाउंडेशन का स्लोगन है, मिशन फॉर धम्मा, मिशन फॉर पीस। इस समय वर्षावास का पवित्र पर्व चल रहा है और ये संघदान बौद्ध भिक्खु और भिक्खुणियों के लिए आयोजित किया गया है। महासंघदान के इस अवसर पर दायक पंकज गुप्ता और उनके परिवार ने भिक्खु भिक्खुणी संघ का स्वागत किया। संघकाया फाउंडेशन के इस महासंघदान की पहल पंकज गुप्ता और उनके परिवार ने ही की है। भिक्षु भिक्षुणियों का यथोचित स्वागत, सम्मान, भोजनदान, संघदान और साथ में भिक्खु संघ भिक्खुणी संघ द्वारा उपस्थितों को धम्मदान, ये महासंघदान के आयोजन का स्वरूप होता है। आइए आनंद बुद्ध विहार में संघकाया फाउंडेशन के इस 15वें महासंघदान से जुड़ते हैं।
सब लोगों को पता है कि बुद्ध शासन में संगदान का बहुत ज़्यादा महत्व है और इसी संगदान को हम लोग 3-4 सालों से करते आए हैं और ये अभी 15वां नंबर का संगदान है। पिछले साल भी आप सब लोगों को पता होगा कि 3 महीना हम लोगों ने कंटिन्यूस संगदान का प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया था, जनवरी फरवरी मार्च, शायद नागपुर में ही कम से कम 7 से 8 बार संगदाना हम लोगों ने ऑर्गेनाइज किए थे। उत्तर नागपुर, दक्षिण नागपुर, पश्चिम नागपुर, मध्य नागपुर, सभी तरह के जो नागपुर के जो सेंटर्स पॉइंट्स थे वहाँ हम लोगों ने ऑर्गेनाइज किए थे। अमरावती, भंडारा, गोंदिया, वर्धा, जहाँ जहाँ हो सकता है वहाँ वहाँ हम लोगों ने ऑर्गेनाइज किए, मुंबई में किए, बुद्धगया में। तो संघ काया फाउंडेशन मतलब यह है, संघ और काया मतलब संघ की वो काया ही है, उसलिए हमने उसका वृद्ध वाक्य भी रखे है, संगो रखन्ति बुद्ध शासनं, मतलब संघ ही बुद्ध शासन की ये रक्षा कर सकता है और कोई नहीं कर सकता है, क्योंकि बुद्ध के बाद में अगर इस बुद्ध शासन को किसी ने अगर बढ़ाया होगा तो ये बौद्ध भिक्कु और भिक्कुनियों का ही कमाल है कि आपको पूरे देश विदेश में हमें बुद्ध शासन या बुद्ध की शिक्षा हमें दिखाई देती है, चाहे वो हमारा 2,000-2,500 साल पुराना कल्चर हो, इकोनॉमिक्स हो, या फिलोसॉफी हो, या आर्ट हो, जो भी है वो बुद्ध शासन के जो बौद्ध भिक्षु थे उस समय के जो राजा लोग थे उन लोगों ने बचा के रखा हुआ है। और ये बुद्ध शासन को और हमें आगे बढ़ाने के लिए जो हमारे आदरणीय बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जिन्हें हमें जो शुद्ध धम्म दिया है और उस धम्म पे आगे बढ़ते हुए जो भी बुराइयां है, जो भी नेगेटिव फोर्सेस है उनसे लड़ते हुए हमें एक अच्छी चीज़ों को स्थापन करने के लिए, अच्छी चीज़ों को इस समाज में, इस देश में रखने के लिए बुद्ध की शिक्षा हमें दिए हुए है। और उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो बात उन्होंने किए है, जो हम 22 प्रतिज्ञा में देखते हैं कि मैं सारे प्राणी मात्रा के प्रति करुणा रखूंगा, मैं दान करूंगा और ऐसा कुछ नहीं करूंगा जो बौद्ध धर्म के विरुद्ध हो, तो उसमें एक बहुत अच्छा काम है कि वो अपने संघ को स्ट्रॉन्ग करे। सबसे इंपॉर्टेंट काम है, अगर आपको ऐसा लगता है कि इस भारत देश में जो बुराइयां छाई हुई है धर्म के नाम पे, जो अधर्म हो रहा है, या फिर हम अपने पाली भाषा में उसे कह सकते हैं कि लोग मिथ्या दृष्टि में है, तो उनको सम्यक दृष्टि में लाने का जो काम है या सम्मा दृष्टि में लाने का जो काम है वो बौद्ध भिक्षुओं का काम है, या यूं समझ लो कि वो अंधेरे में है, उनको प्रकाश की ओर लेके आने का जो काम है वो बौद्ध भिक्षु और भिक्षुनियों के ऊपर खास करके है, क्योंकि उन्होंने जो चिवर धारण किया है इसका मतलब ये है कि वो 24/7 वो लोगों की सेवा में है, लोगों के कल्याण के लिए है। तो ये जो दाना का जो प्रोग्राम है ये इसी के लिए है कि हमारे जो बौद्ध भिक्षु है उनको हम किस तरह से मदद कर सके, उनको किस तरह से हम लोग जो भी चीज़ें उनको लगती है हम उनको दे सके। और जैसे अभय पंते जी, आप सब लोगों को पता है कि जो भी भिक्षु अगर बीमार हो जाता है तो अभय पंते जी उनका टेक केयर करते हैं या फिर मेडिकल के लिए वो दौड़ धूप करते हैं, उसी तरह से कुछ बौद्ध भिक्षु भिक्षुनियों को कुछ होता है तो वो मुझे भी कांटेक्ट करते हैं, तो फाइनेंशियली जितना हम लोग हो सकते हैं हम लोग करने का कोशिश करते हैं। उससे मुझे पंकज काफ़ी सपोर्ट करते हैं, अगर मैं उनको बोलता हूँ कि मुझे कुछ काम करने का है तो मुझे वो नॉन बुद्धिस्ट रहने के बावजूद भी बुद्धिस्ट जो मंक्स और नंस रहे उनकी सेवा में वो तत्पर रहते हैं। और आप सब लोगों को पता है कि भगवान बुद्ध ने बोला है कि जो रोगी की सेवा करता है वो मेरी सेवा करता है, तो मैं चाहूँगा कि जैसा अभय पंते जी रोगी की सेवा के लिए आगे बढ़ते हैं तो जब भगवान बुद्ध ने बोला है तो हमें कोई इफ़ बट कोई क्वेश्चन मार्क नहीं चाहिए, उन्होंने बोला है और हमें चुपचाप उसको करना है। तो हमें भी अगर जितना अच्छा हम लोग कर सकते हैं लोगों के कल्याण के लिए, लोगों की सेवा के लिए, उतना हमने
करने का प्रयास करना चाहिए। और संघदाना के लिए जो जो लोगों ने इसमें सहकार्य किया हुआ है, पंकज जी है, उसके बाद में हमारे एक मेधा पटेल जी है जो US में रहते हैं, उन्होंने भी हमें सपोर्ट किया है। फिर एक पीयूष कुलक्षेत्र करके एक है जो रेडियो जॉकी में भी थे, वो बहुत अच्छा अभिधम्म पढ़ाते हैं, उन्होंने भी सपोर्ट किया है इसके लिए। और भी जो संस्था के साथ में जो जुड़े हुए जो लोग हैं उन्होंने भी काफ़ी सपोर्ट किया है, पर मोस्टली जो नॉन बुद्धिस्ट लोग हैं उनके तरफ से ज़्यादा सपोर्ट हमें रहता है ये संस्था को। और ये संस्था भी नॉन बुद्धिस्ट लोगों के साथ में थोड़ा ज़्यादा काम करती है। और एक बात मैं आप सब लोगों को बताना चाहता हूँ कि मेरी बहुत इच्छा है कि कंटिन्यूस 7 दिन तक के हम लोग संघदाना नागपुर में ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं, शायद अगले महीने या सितंबर महीने में। तो आप कोई अगर उसमें इंटरेस्टेड होगा या उसमें कोई वॉलंटरली काम करना चाहता होगा तो हम लोग कई एक हॉल या कुछ लेके कंटिन्यूसली हम लोग संघदाना करें, ताकि लोगों के कल्याण के लिए, भिक्षुओं के कल्याण के लिए और बुद्ध शासन के कल्याण के लिए भी ये बहुत महत्वपूर्ण होगा। शायद इसके पहले पता नहीं नागपुर में हुआ या नहीं हुआ है, पर ये बहुत कुशल कर्म रहेगा। और मैंने सुना है कि अगर किसी को कुछ अच्छे संकल्प अगर पूर्ण करने का है तो कंटिन्यूस 7 दिन तक के उसने दान देना चाहिए बौद्ध भिक्षुओं को, वैसा मैं भी सोच रहा हूँ। भगवान बुद्ध ने कहा है दान ऐसी भावना आना ही पुण्य कर्म है। दान करने की भावना, सेवा करने की भावना और किसी का मंगल करना, ये भावना आना ही किसी पुण्य के प्रभाव से आता है। यदि हम किसी न किसी समय में कोई बहुत पुण्य कर्म किया है तो उसी पुण्य कर्म के प्रभाव से हमारे मन में दान करने की भावना उत्पन्न होती है। और ये भावना जैसे उत्पन्न हो तो ये स्मरण करना चाहिए कि हमारे किसी न किसी पुण्य कर्म का प्रभाव जो है हमारे जीवन पर आया है, जो अब हमारा कल्याण होना है, इसीलिए ऐसी भावना हमारे मन में निर्मित होती है। क्योंकि हम सुबह से शाम तक बहुत सारा काम करते हैं लेकिन अकुशल विचार बहुत बार आता है, लेकिन कुशल विचार कभी कभार उत्पन्न होता है। लेकिन जब कुशल विचार कभी कभार उत्पन्न होता है तो हम उसे इग्नोर कर देते हैं, नहीं ऐसा नहीं करेंगे। भगवान ने कहा जब भी किसी के व्यक्ति में अच्छा स्वभाव आता है, विचार आता है, तो मार हमेशा उस विचारों को रोकने की कोशिश करता है कि ये व्यक्ति कुशल कर्म ना करे। पर हर व्यक्ति को कोशिश करना चाहिए कि जैसे ही मन में कोई अच्छा विचार आया दान के संबंध में या किसी के सेवा के संबंध में, तो उसे तुरंत कर लेना चाहिए। और जो व्यक्ति ऐसे कर्म करने में विलंब करता है, ऐसे व्यक्ति के मन में अकुशल भावना प्रवेश कर जाती है और उसके जीवन में एक बार मंगल होने से फिर वो वंचित हो जाता है। इसलिए भगवान ने कहा अभिथरेत कल्याणं पापा चित्तं निवार्यं दंधं ही करो तो पुण्यज पापस्मिं रमते मनो। अभिथरेत कल्याणं पापा चित्तं निवार्यं। मनुष्य के अंदर कल्याण की भावना आती है, वो पुण्य कर्म से आ रही है, फिर अकुशल भावना आती है। और जो व्यक्ति इस कुशल कर्म को करने में विलंब करता है, दंधन ही करो तो पुण्यज पापस्मिन रमते मनो, ऐसे व्यक्ति के मन में अकुशल भावना जो है प्रवेश कर जाती है। कुएं से पानी कितना भी आप निकालोगे, कुआं और साफ होगा और स्वच्छ होगा और सुंदर होगा। वैसे ही मनुष्य जब दान करता है तो उसका पूरा धन जो है शुद्ध और पवित्र होता है, मन भी पवित्र होता है, काया भी पवित्र होती है, वाणी भी पवित्र होती है और पूरा परिवार उसके प्रभाव से सुखी होता है। जब हम देते हैं तो ऐसा लगता है कि मेरा कुछ जा रहा है, और जब हम अकुशल कर्म करके किसी से लूट के लेते हैं तो ऐसा लगता है मेरे पास बहुत आ रहा है, पर ऐसा नहीं है। जब आप अकुशल कर्म के बहुत लेते हो, लूटते हो, दूसरों को दुख देकर के पैसा लेते हो, तो कब कहाँ चला जाएगा कोई भरोसा नहीं है। लेकिन कुशल कर्म करके यदि आप किसी को दान करते हो तो उसके प्रभाव से बुद्ध कहते हैं जो भी आप देते हो उसकी अपेक्षा में 10 गुना आप वापस पाते हो। ये प्रकृति का नियम है, बुद्ध ने कहा ये बुद्ध का नियम नहीं है, बुद्ध ने कहा ये नेचर ऐसे ही काम करती है। आप प्रकृति के संबंध में यदि किसी की सेवा करते हो तो बदले में आपकी सेवा मिलेगी। आप किसी की मदद करते हो, बदले में आपको बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। आप किसी को दान करते हो, कई लोग आपकी तरफ ध्यान देंगे। मैंने अपने जीवन पर अनुभव किया है,
कि जब जब मैंने दान करने की कोशिश किया है तब तब हमारे पास कभी कमी नहीं हुई है और नहीं तो ज़्यादा से ज़्यादा आता है। जब हम 10 भिक्खों को संगदान कर रहे थे तो भी उतना ही आया, जब 100 भंते जी को दान कर रहे हैं तो भी उतना ही आया। प्रसिद्ध भंते जी कितने हैं, 500 1000 भंते जी को दान करते हैं, लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ कि प्रसिद्ध भंते जी के पास कोई कमी होती। कहने का मतलब, आप यदि समाज के लिए समर्पित होते हो तो समाज आपके प्रति समर्पित होता है। मैं यदि 1000 लोगों के बारे में अच्छा सोचता हूँ तो सोचिए 1000 लोग मिलके थोड़ा थोड़ा मेरे बारे में अच्छा सोचेंगे तो कभी मैं परेशानी में रहूँगा क्या? यही धम्म कहता है। धम्म कहता है आप अपनी चिंता छोड़ करके दूसरों के सेवा में लग जाओ, फिर आपको कभी जीवन में कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। बस सेवा निस्वार्थ भाव से होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? स्वार्थ भाव से करोगे तो सेवा करने में भी दुख मिलेगा, लेकिन निस्वार्थ भाव से सेवा करोगे उसी सेवा में आपको सुख मिलेगा। मैं एक छोटा सा एक उदाहरण देता हूँ। एक उपासिका ने कहा, भंते जी मैं सबका अच्छा चाहती हूँ पर मेरा अच्छा नहीं होता है। मैं उनसे कहा, यदि आप सबका अच्छा चाहती हैं और आप अपना भी अच्छा सोचती हैं तो कृपया करके आप सबका अच्छा करना बंद कर लें, अन्यथा किसी का अच्छा कर दिया तो बाद में उसको ताना मारोगे कि मेरे वजह से हुआ, मैं थी तभी तो आगे बढ़ा, है ना। जो व्यक्ति दूसरों का भला करता है और अपना भला उसमें सोचता हो, ऐसा व्यक्ति कभी किसी का भला करके भी सुखी होने वाला नहीं है। जब आप किसी का भला कर ही रहे हो तो बस उसकी भला में ही आपकी प्रसन्नता होनी चाहिए। जब ऐसा स्वभाव आपका होगा तो आप सेवा करके भी खुश रहोगे। जैसे एक माँ अपने बेटे का बहुत भला चाहती है तो बेटा कितना भी आगे जाए उसके आगे बढ़ते हुए देख करके वो प्रसन्न होती। ये प्रसन्न होना, ये प्रसन्नता का स्वभाव ही मुदिता का स्वभाव है। तो ये स्वभाव एक माँ के अंदर है, तो हम सब के अंदर ऐसा स्वभाव होना चाहिए। हम दूसरों का कल्याण कर रहे हैं, इस कल्याण के भावना में ही हमारी प्रसन्नता है। बाबा साहब अम्बेडकर को देखें तो बाबा साहब अम्बेडकर ने बहुत त्याग किया पर उस त्याग में वो विचलित नहीं होते थे, हमेशा प्रसन्नता के साथ एक नई ऊर्जा के साथ और काम करने के लिए लग जाते थे, क्योंकि उनके लाइफ में बहुत परेशानी थी। वो चाहते तो बोलते, मेरी लाइफ में इतनी परेशानी हो रही है, मैं समाज सेवा नहीं करूँगा, मैं लोगों के बारे में कुछ नहीं करूँगा, पर उनका काम सत्य के लिए था, किसी की सेवा के लिए था, किसी को वंचित अधिकारों दिलाने के लिए था। इस वजह से वो काम करके भी, परेशानियां झेल करके भी वो प्रसन्न होकर के उस काम में फिर उसी ऊर्जा के साथ लगे रहते थे। इसीलिए वे कहते हैं ना, आपने ये कहावत सुनी होगी, सत्य कभी परेशान नहीं होता, विचलित होता है, परेशान होता पर हारता नहीं है। सत्य के प्रति काम करने में कभी भी व्यक्ति निराशा की ओर नहीं बढ़ेगा, ये गारंटी है। पर यदि आप अकुशल कर्म किए हो और लड़ रहे हो, एक दिन हार जाओगे। गलत व्यक्ति कितना भी प्रयास करे वो हारता है, चाहे भले वो कितना ताकतवर फील होगा, लेकिन सही व्यक्ति भले ही परेशान होगा पर वो हारने वाला नहीं है, क्योंकि सत्य हमेशा उसको ऊर्जा देती है उस काम को करने के लिए। ये दो शब्द में दान के संबंध में कहा, इसलिए दानंग खानंग मनुष्यानंग दानंग दुगति निवार्यंग। भगवान ने कहा है दानंग खानंग मनुष्यानंग, दान मनुष्य को स्थान देता है। आज जो व्यक्ति बहुत दान करता है समाज में वो सबसे पहला स्थान पाता है। कोई व्यक्ति बहुत ज्ञानी भी हो यदि वो दान नहीं करता है तो समाज में उसको पहला स्थान नहीं देते हैं, पर जो व्यक्ति कम ज्ञानी हो पर दानवीर ज़्यादा हो तो लोग समाज में उसको पहला स्थान दे देते हैं। इसीलिए कहा जाता है दानंग खानंग मनुष्यानंग दानंग दुर्गति निवारंग, दान सारे दुर्गति से मुक्त करता है। दानंग सगस्य सोपानंग, दान सीढ़ी का काम करता है, आपको हमेशा ऊपर की ओर ले जाता है। दानंग सगस्य सोपानंग, यानी दान क्या है, सीढ़ी की भांति काम करता है, आपको हमेशा ऊपर की ओर होता है। दानंग सबत्त साधकं, दान से सब कुछ साधक। इसे दान की महिमा भगवान ने बहुत कहा है और ये प्रेरणा हर व्यक्ति के अंदर होना चाहिए और बड़े श्रद्धा के साथ होना चाहिए। और आप लोग देश विदेश से प्रेरणा लें, जिस देश में सबसे ज़्यादा डोनेशन किया जाता है उस देश में गरीबी नहीं है, पर जिस जगह कम डोनेशन किया जाता है वहाँ गरीबी ज़्यादा है। अमेरिका जैसे देशों में बड़ी संस्थाएँ हैं जहाँ पर लोग ज़्यादा से ज़्यादा दान करते हैं पर वहाँ के लोग कभी गरीब नहीं है। तो दान देने से कोई गरीब अमीर नहीं होता है, दान देने से पुण्य पारमी और बढ़ती। और यदि आप बुद्ध का साहित्य उठाओगे तो जितने भी व्यक्ति बहुत बड़े हुए हैं उनके जीवन में सिर्फ दान का प्रभाव है। किसका प्रभाव है?
चाहे शिवली बंती जी का जीवन उठा के देखिए, उनके जीवन में से दान के प्रभाव से शिवली माँ थेरा हो गए। चार बार उस तरह चलते चलते अर्हत हो गए। तो जितने भी बौद्ध भिक्खु के जीवन का आप देखेंगे, पूरा बुद्ध साहित्य उठा लीजिए, पुण्य कर्मों का प्रभाव उनके जीवन में आया है तभी वो उस ऊंचाई तक पहुंचे। तो पुण्य ही कर्म है। सुख का मतलब होता है पुण्य और दुख का मतलब होता है अकुशल कर्म। ये दोनों का प्रभाव समान रूप से आपके जीवन में पड़ता है। बहुत बहुत साधुवाद। मैं पुनः बंते जी को धन्यवाद करना चाहता हूँ और प्रसिल बंते जी को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ, उन्होंने ऐसा आयोजन किया। सभी के लिए जो 10 पारामिताएं दी है उनमें भी पहला दान पारामिता है और 10 पुण्य कर्म जो बताए हैं उनमें भी पहला कर्म जो होता है वो भी दान पारामिता। तो भगवान बुद्ध जी के इस परम सत्य को, परम वचन को भगवान ये पूज्य भंते महेंद्र जी ने या उनका उद्बोधन किया है। बहुत साधुवाद। मैं भंते अभय नायक परम श्रद्धेय भिक्खु संघ, इनको एक निवेदन सादर करता हूं, निवेदन करना चाहता हूं। आज इस आवाज इंडिया टीवी के माध्यम से और आप सभी के उपस्थिति में मैं काफी सालों से जो रुग्ण लोग होते हैं, बीमार लोग होते हैं, चाहे वो उपासक हो, उपासिकाएं हैं या भिक्खु हो, भिक्खुनी हो, उनके प्रति सद्भावना रख के मैं काफी सालों से उनकी सेवा करता रहता हूं। लेकिन मुझे लगता है कि मैं अकेले कहां तक कर पाऊंगा, तो एक निवेदन करना चाहता हूं परम सत्य भिक्खु संघ और भिक्खुनी संघ को कि जो बीमार लोग हैं, चाहे भिक्खु हो या भिक्खुनी हो, उनके प्रति हमें सद्भावना रखना है और एक संघ फंड निर्माण करना है। तो मुझे लगता है कि जो सकारात्मक दृष्टि से देखते हैं इस बात को, तो वो लोग आगे आए और महीना 500 रुपए देकर इस फंडों को निर्माण करें, ताकि और लोगों के पास, जैसे कोई बीमार भिक्खु होता है, भिक्खुनी होती है, तो उपासक उपासिकाओं को निवेदन करते हैं कि हमें दान दीजिए। तो मुझे लगता है कि हम सांघिक रूप से अगर संघ का फंड हो तो दूसरों के पास जाना ना पड़े। तो इसीलिए मैं भंते अभय नायक, मेरे पास आप आ सकते हो या पूज्य भंते संघानंद धम्मानंद जी हैं या पूज्य भंते देवानंद जी हैं, इनके पास आप आ सकते हो। और ये जो पैसा इकट्ठा होगा वो अकेले के पास नहीं होगा, उसका एक बैंक अकाउंट होगा और उसमें हम लोग वो पैसा जमा करेंगे। तो मुझे लगता है कि आप इस बात को सकारात्मक रूप से ले, जो लोग सकारात्मक है वही लोग आए, जो लोग नकारात्मक है वो ना आए तो बेटर है। तो आज इस संगदाना के सो अवसर पर मेरा निवेदन आप स्वीकार करें और संघ काया फाउंडेशन की ओर से जो आज का इस महासंगदाना का कार्यक्रम हुआ है, हो रहा है, इसलिए मैं बहुत साधुवाद देता हूं।
मेरा नाम पंकज गुप्ता है, मैं यूएसए में रहता हूँ पिछले 15 साल से, और 2015 में मुझे विपश्यना का इंट्रोडक्शन मिला मेरे एक मित्र से। तब मैंने विपश्यना का कोर्स किया यूएसए में जाके, साउथ कैरोलिना में, जॉर्जिया में एक्चुअली। उसके बाद विपश्यना ने मेरे जीवन जीने का, सोचने का तरीका बदल दिया। विपश्यना ने मुझे सिखाया कि जीवन की मुश्किल परिस्थितियों में कैसे उसको हैंडल किया जाए और कैसे डील किया जाए कि नेगेटिव एनर्जी जनरेट ना हो, नेगेटिव संस्कार क्रिएट ना हो। विपश्यना साधना करते करते मैं विपश्यना से जुड़े लोगों से मिला, उनसे बातें होती थी, ग्रुप में डिस्कशन होते थे, तो इसी तरह से मुझे संघगाया फाउंडेशन के बारे में पता चला, जहाँ पे भंते प्रशील रत्न गौतम जी, उन्होंने बहुत सारे धर्म के कार्य करते हैं, तो उनके बारे में पता चला। और जैसे जैसे मैंने उनके बारे में ज़्यादा जाना, मुझे पता लगा कि वो कितने सारे धर्म के काम करते हैं, और उनको सपोर्ट करने के लिए मैंने आगे कदम बढ़ाए, जिससे कि मुझे बहुत ही धर्म में प्रगति हुई। अलग अलग तरह के धर्म के जो भेद थे वो खुलते गए, और धर्म के मार्ग में बहुत अच्छी प्रगति हुई। इस धर्म की प्रगति को देखते हुए मैंने संघकाया फाउंडेशन के लिए काफ़ी भंते जी को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने इसको हमारे तक पहुँचाया। हमें पता ही नहीं था कि ऐसी भी कोई फाउंडेशन है, या मैं भिक्षु से मिल भी सकता हूँ, ये भी नहीं पता था मुझे। पिछले साल संघकाया फाउंडेशन ने जो संघदान किया था, भंते जी ने उसके बारे में मुझे बताया। वह पहला अनुभव था जब मैंने वीडियो पे देखा कि कैसे संघदान होता है, और उसको देख के मेरे रोम रोम पुलकित होने लगे। मुझे ऐसा लगने लगा कि मैं भी जाके करूँ। फिर इस साल अचानक ऐसा संयोग बना कि मैं भारत आया और भंते जी से बात हुई, और उन्होंने ये कार्यक्रम आयोजित किया। मुझे, मैं तहदिल से भंते जी का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा और यहाँ बुलाया और ये प्रोग्राम को आयोजित किया। यहाँ पे सभी लोग जिन्होंने इसको सपोर्ट किया और सेटअप किया, ये सब काम किए, बड़ा काम है बहुत, मैं सबको तहदिल से धन्यवाद देता हूँ। मेरा ध्यान शुरू से ही ध्यान और साधना में मन लगा रहता था। कुछ ना कुछ हिंदुइज्म में जो प्राणायाम, योगा और अलग अलग ध्यान हैं, उनको मैं करता था पहले, जिससे कि बहुत लाभ होता था। पर जब से मैंने विपश्यना की, उसके बाद से मेरे जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ, और जिसकी वजह से ज़्यादा भगवान बुद्ध का लिटरेचर पढ़ने लगा, उनके अलग अलग सूत्र पढ़े और अलग अलग बुक्स जो अवेलेबल थी वो पढ़ी, जिससे कि जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आया। भगवान बुद्ध ने जो धर्म की व्याख्या की है वो संपूर्ण है, उसमें कुछ कमी नहीं है, उसमें कुछ जोड़ा भी नहीं जा सकता, घटा भी नहीं जा सकता। तो मुझे वो व्याख्या बिल्कुल सही लगी, जो प्रैक्टिकली पॉसिबल है और उसको कोई भी अचीव कर सकता है। कोई बुद्ध हो या हिंदू हो, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। अगर कोई साधना करता है, पंचशील का पालन करता है, तो उसको तो उसका उत्थान होना निश्चित है। ये बात अच्छे से समझ में आ गई मुझे, और मैं जिससे भी मिलता हूँ उसको ये बात बताता हूँ कि इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि आप किस समाज में हो, लेकिन अगर आप पंचशील का पालन करते हो, आप समाधि का अभ्यास करते हो, विपश्यना करते हो, तो आपका उत्थान होना निश्चित है। मैसेज मैं यही दूंगा कि सभी लोग जो सामान्य मोरालिटी है, नैतिक जीवन है, वो जिए, पंचशील का पालन करें, और अपने शील और समाधि और प्रज्ञा को स्ट्रॉन्ग करें, इसके बारे में जानें। अगर नहीं पता है तो कहीं से जाने, इंटरनेट पर सर्च करें, आपको बहुत सारे रिसोर्सेज मिलेंगे, उसमें संघकाया फाउंडेशन एक है। नमो बुद्धाय धम्मा। फ्रेंड्स, आज आनंद नगर बुद्ध विहार बुद्ध नगर में संघदाना का प्रोग्राम आयोजन किया गया संघकाया फाउंडेशन तरफ, और उसके जो मेन डोनर्स थे हमारे पंकज गुप्ता और मेधा पटेल और पीयूष कुरुक्षेत्रा, उनके दान और बाकी जो संस्था में जो लोग जुड़े हुए हैं उनके सहयोग के वजह से संघदान आयोजन किया गया। और भी संघदाना हम लोग ये पूरे वर्षवास में करने वाले हैं, नागपुर में और दूसरी जगह भी हम लोग करने वाले हैं। मैं चाहूँगा कि आप लोग हमारे साथ में जुड़ते रहे संघकाया फाउंडेशन के साथ में। पिछले 2 सालों से हम लोग कंटिन्यूसली संघदाना ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, काफ़ी सारा फंड हम लोगों ने रेज किया था, ऑलमोस्ट 50-60 लाख रुपये, और
और उसमें संघ किस तरह से हम लोग स्ट्रॉन्ग कर सके। तो हम लोग भिक्षुओं को जो भी उनकी जरूरत की जो चीजें हैं वो हम लोग देते हैं। लास्ट ईयर हम लोगों ने एक एम्बुलेंस भी लॉन्च किया है और एक ओल्ड एज होम भी हम लोग बनाने का भी प्लानिंग चल रहे। साथ ही साथ एक मंक्स और नंस के लिए एक हॉस्पिटल भी हम लोग इस्टेब्लिशमेंट करने वाले हैं। तो पिछले साल हम लोगों ने कम से कम 3 महीना कंटिन्यूसली संगदाना पूरे विदर्भ में ऑर्गेनाइज किए और 700 से 800 भिक्षुओं को हम लोगों ने जाके संगदाना दिए हैं, जिसमें ग्रोसरी, मेडिकल का सामान, फाइनेंशियल हेल्प उनको दिए हैं ताकि वो सस्टेन कर सके अपने अपने विहारों में। और आज का भी जो संगदाना का प्रोग्राम हुआ वो बहुत अच्छा हुआ और हम चाहते हैं कि भगवान बुद्ध की भी इच्छा थी कि संगा हमारा जो संगा है वो प्रॉपर इस्टेब्लिशमेंट हो और बहुत अच्छा काम करे। और उनको जो नेसेसरी जो चीज़ें हैं, अगर वो उपासक वर्ग जो अम्बेडकराइट या फिर बुद्धिस्ट जो सोसाइटी है वो जब तक के नहीं देंगे तब तक के वो भी अच्छे से संघ काम नहीं कर सकता सोसाइटी में। तो सोसाइटी को एक मॉरल सपोर्ट के लिए इकोनॉमिकल सपोर्ट भी ज़रूरी पड़ता है, भिक्षुओं को भी लगता है। तो मैं चाहूँगा कि सभी जो उपासक वर्ग है उन्होंने एटलीस्ट एक भिक्षु को तो भी अडॉप्ट करना चाहिए, उसका एजुकेशन का, उसका हेल्थ केयर का, उसका खाने का, उसके विहार का भी जो खर्चा है वो हमने करना चाहिए। तो हम देखते हैं कि हमारे विहार की कंडीशन उतना अच्छा नहीं है जितना अच्छा कंडीशन हमारे घरों की है, लेकिन फॉरेन में उल्टा नजर आता है कि लोगों के घर छोटे रहते हैं और विहार बड़े रहते हैं। यहाँ विहार छोटे रहते हैं और लोगों के घर बहुत आलीशान रहते हैं। तो ये अपने आप को जो ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं और वो उनका ये नज़रिया रहता है कि हमारे घर बड़े रहे, और जो बुद्ध को इम्पोर्टेंस देते हैं वो हमेशा बुद्ध का बड़ा विहार सोचते हैं। तो हमने भी बाबा साहेब की मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए और जो भी इस देश में बुराइयां है उसको अगर इस देश से निकालना है तो उसको एकमात्र उपाय हमारे पास में बुद्ध की शिक्षा है और बुद्ध का धम्म है। उसका जितना ज़्यादा प्रचार प्रसार हम लोग करेंगे उतना ही इस देश के लिए कल्याणदायक होगा। अभी हमारे पास में जो प्रचारक है वो यूजलेस ब्रेन्स है, तो हमें यूजफुल ब्रेन्स चाहिए, जो IIM से पास आउट हो, IIT से पास आउट हो, जो MBBS हो, जो फॉरेन स्टडी करके आया है। इस तरह के अगर हमारे पास में अगर प्रचारक मिलेंगे तो वो जो धर्म है वो धर्म बहुत आगे बढ़ता है। अभी हम लोग जो बाकी धर्मों के अगर जो प्रचारक देखते हैं तो वो काफ़ी एलिट क्लास से आए हुए रहते हैं, वेल एजुकेटेड रहते हैं, वेल मैनर्ड रहते हैं। तो जिस तरह से प्रचारक रहते हैं उस तरह से प्रचार भी होता है। तो प्रचारक अच्छे रहेंगे तो मैं जो बाबा साहेब की इच्छा थी, समाज की भी इच्छा है कि सारा भारत बुद्ध में होना चाहिए, हो सकता है। तो 2000 स्टूपिड लोगों से अच्छा है कि 20 लोग रहे पर वो काफ़ी इंटेलेक्चुअल रहे, काफ़ी होशियार रहे। वैसे जो 20 लोग रहेंगे वो 20,000 से ज़्यादा ब्रेन्स के इसमें वो काम कर सकते। तो मैं चाहूँगा कि ऐसे ही लोग बुद्ध शासन में आए, बुद्ध को समझे और बुद्ध शासन के लिए अपना तन, मन और धन पूरा समर्पित करके बुद्ध शासन को आगे बढ़ाए, तभी ये भारत बुद्ध में हो सकता है। नमो बुद्धाय, जय भीम। जैसे कि आज संघकाया फाउंडेशन के लिए संघकाया फाउंडेशन के नेतृत्व में गुप्ता परिवार ने जो अमेरिका से आकर दान धर्म किया है, तो यही अपेक्षा है कि भिक्षु के द्वारा या बौद्ध उपासक उपासिकाओं के द्वारा जिस तरह से संघकाया फाउंडेशन ने लोगों के काम आने का दान धर्म किया है, लोगों के काम आने का कार्य किया है, भिक्षु संघ के काम आने का काम किया है, जो दान धर्म भिक्षु को देना चाहिए, संघकाया फाउंडेशन ने भिक्षु को भी संघदान किया है जो आज के काल में आवश्यकता है, और उपासक उपासिकाओं के लिए भी दान धर्म किया है। कोरोना काल में रहे या पूरे जब जब भी अभी आवश्यकता हो तो समय के साथ साथ संघकाया फाउंडेशन आवश्यक रूप में दान करते हैं, जैसे अनेक प्रकार का दान करते रहते हैं। ये अच्छा स्तुत्य उपक्रम है। आज जो दान धर्म किया है ये तो और भी गौरव की बात है, क्योंकि आज हमारा समझ है कि दान धर्म करेगा तो जो धर्मांतरित बौद्ध है, लेकिन आज ये गुप्ता परिवार ने दान किया है, तो यही अपेक्षा है कि बाकी लोगों ने भी सभी का साथ लेना चाहिए, जैसे आज संघकाया फाउंडेशन ने किया है। संघकाया फाउंडेशन के लिए मंगल कामना, भवतु सब मंगल। जय भीम।